कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के तहत दावा किया है कि 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाया है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं, विपक्ष में रहने और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी। शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका उत्तर दे सकता है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ऐसे किसी भी सर्वे से इनकार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्रप्रभा शेखर ने कहा कि उम्मीदवार तय करने के पहले पार्टी अपने स्तर पर आकलन करती है, सर्वे भी होता है, लेकिन अभी पार्टी ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है। तो यहाँ विरोधाभास है। कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं विधायक लक्ष्मण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं। उन्होंने कहा कि जो आंतरिक सर्वे हुआ है उसमें यह पता चला है कि कांग्रेस की भी इस बार जो स्थिति मध्य प्रदेश में है उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। ये उस समय बयान आया है जब हाल ही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। कई जिलों का दौरा करते हुए यात्रा आगे बढ़ी थी, फिर राजस्थान पहुंच गई थी और इसके बीच लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उसके बाद भी सर्वे में 17 पूर्व मंत्री और कुछ विधायक ही बस जीतते दिख रहे हैं और विपक्ष में रहने और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है। शीर्ष नेतृत्व संभवतः इसका उत्तर दे सकता है। प्रदेश कांग्रेस ने हालांकि ऐसे किसी भी सर्वे से इनकार कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरा और प्रदेश कांग्रेस ने इस पर कहा कि सर्वे भी होता है लेकिन अभी पार्टी ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है। तो एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि पार्टी ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि लक्ष्मण सिंह जिस सर्वे की बात कर रहे हैं फिर वो कौन सा सर्वे है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने साफ कहा है कि आंतरिक सर्वे में यह पता चला है कि कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है और आगामी चुनाव में क्या होने वाला है पार्टी में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट के जरिए लक्ष्मण सिंह ने यह सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं, विपक्ष में है कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा भी यहां से निकाली जा चुकी है, इसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों है, इसका उत्तर संभवतः शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। हालांकि लक्ष्मण सिंह ने जब यह बयान दिया इसके बाद कांग्रेस पर सवाल उठने शुरू हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही नेता अपनी ही पार्टी की स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं है, ये भी कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक ही जीतते दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों है, क्यों कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में है, किन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा सका जिस पर देना चाहिए था। हालांकि 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब आपको बता दें कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन ये सरकार महज 15 दिन ही चल पाई थी और 2020 में कांग्रेस से 22 विधायक टूट गए, बीजेपी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में। आज वहां पर भी कुछ विधायक हैं बीजेपी से, वहीं कुछ को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ा है। इस बात को भी कांग्रेस नहीं भुला पाई है। लगातार कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या, जनादेश का असम्मान कहती रही है लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाते हैं उसका जो प्रारूप है उसे ही अपने बयानों से ही कटघरे में खड़े कर देते हैं। और इस समय हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हितेश जी, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह ने पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस को अपनी आंतरिक स्थिति से अवगत कराया है लेकिन यहां पर विरोधाभास इसलिए हितेश जी क्योंकि लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि जो आंतरिक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 17 पूर्व मंत्री और 37 विधायक ही जीतते दिख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सर्वे होता है लेकिन अभी तो ऐसा कोई सर्वे हुआ ही नहीं है। तो किस तरह की स्थिति आप कांग्रेस में देख रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, ये हम लोग जानते हैं जी। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भाई विपक्ष का पार्टी होने के बावजूद भी जी। आपने कभी भी कांग्रेस को सड़क पे लोगों के बीच, किसानों के बीच, महिलाओं के बीच कभी नहीं देखा होगा। तो ये क्या करेंगे, जब चुनाव आएगा तो दिखाई देना शुरू होंगे। अभी सब कंबल ओढ़ के सो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अभी कोई भी आप सर्वे कराएंगे जी। तो उसमें कांग्रेस नदारद मिलेगी, कोई नहीं दिखेगा आपको। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो दोनों दिन कमलनाथ नहीं आए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। आप सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और इतना इम्पोर्टेंट मूवमेंट होता है, अविश्वास प्रस्ताव वो खुद ही नहीं आए उसमें जी। तो अगले दिन नेता प्रतिपक्ष है वो गायब हो गए, फिर उसके बाद ढूंढा गया तो उप नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन वो भी गायब मिले। तो
फिर सज्जन वर्मा इधर उधर करते, अरे भाई उनका आदेश निकाल दो कि सज्जन वर्मा होंगे, तो वो भी नहीं मिला। अजय टंडन से पूछा कि भैया क्यों नहीं आए, तो बोले साहब मैं तो कथा में हूँ, कथा कराऊंगा, मेरा कोई मतलब नहीं तेल लेने गई पार्टी जी। तो ये जो स्थिति है अब ऐसे में आप खुद बताइए सर्वे क्या आएगा मतलब। और संविदा कर्मियों का विषय था, आपने देखा होगा जो बेचारे स्वास्थ्य के बैठे थे, तो भाई हमारा काम तो चलो उनके विषय पर सोचना है, अधिकारियों से डिस्कस कर। कांग्रेस का तो काम था ना कि उस आंदोलन को वो हाथ में लेते जी। कहीं आपको दिखाई दिए कमलनाथ कि उनके लिए वाटर कैनन के नीचे खड़े हों, कहीं लाठी चार्ज के तले पड़े हों हितेश जी? लेकिन लक्ष्मण सिंह जी ने जो सर्वे की बात कही है उसके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति फिलहाल बहुत खराब उन्होंने बताई मध्य प्रदेश में। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए अब ये मान लिया जाए कि कोई भी चुनौती नहीं, उनके ही पार्टी के नेता यानी कि कांग्रेस के ही नेता इस बात को मान रहे हैं? देखिए मैं तो बहुत स्पष्ट मतलब लगभग मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात मतलब छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात से लगातार देखता आ रहा हूँ चुनाव को जी। तो एक बात आप ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की तासीर जो है जी, वो ऐसी है ही नहीं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने, और इसीलिए 18 के भी चुनाव में हमको 2.5 लाख वोट ज्यादा क्यों मिले जी? वो इसीलिए मिले क्योंकि देखिए आम आदमी उसके पक्ष में है ही नहीं, यहाँ की तासीर ही नहीं है। और आप सोचिए जब सिंधिया जी और सब लोग आए तो एक बड़ी मात्रा में मानकर चलिए कि उन सीटों पर 28 सीटों पर उपचुनाव भी हुए, हमने क्यों जीत अर्जित करी, और 18 से ज्यादा वोटों से जीत अर्जित करी है हमने। तो स्वाभाविक है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि अच्छा कमलनाथ जी क्यों राजनीति में है, तो नकुलनाथ जी के लिए है, दिग्विजय क्यों है, जयवर्धन जी के लिए है, सुभाष यादव जी के दोनों बेटे अपने अस्तित्व के लिए सचिन और अरुण जी संघर्ष कर तो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आगामी पीढ़ी के मद्देनजर ही जो बड़े नेता हैं इस वक्त वो अपनी राजनीति कर रहे हैं ताकि इसका लाभ उनके सक्सेसर्स को मिल सके। डॉक्टर हितेश जी आप इस खबर पर हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।